हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम इन ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो। टीम ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो आज आपके लिए लाई है एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो। देखिए, सिचुएशंस बहुत ही क्रिटिकल चल रही है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं और फ्लू के भी चांसेस होते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आप इम्यून सिस्टम का मतलब रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा लड़ सकते हैं। ओके, सो हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी बाय यूजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस टू प्रिवेंट एनी वायरस अटैक। ठीक है, बढ़ानी है अपनी इम्यूनिटी तो पिए ये जूस, वायरस अटैक से बच जाएंगे। मतलब हमने कुछ कलेक्शंस लिए हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि ये करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। जैसे मौसम बदलते ही शरीर आसानी से किसी न किसी फ्लू की चपेट में आने लगता है। खास तौर से ये कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग आसानी से किसी भी वायरस का शिकार हो जाते हैं। आने वाले ज्यादा लोग भी वही होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। तो अगर हम मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जूस पीते हैं तो हर एक सब्जी और हर एक फल उसकी एक कुछ खास बात होती है और वो हमारे शरीर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट्स ही पहुंचाता है अगर उसको हम एक प्रॉपर रेशियो और प्रॉपर डाइट के साथ अगर हम उसे रेगुलर लेते हैं तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी अगर हमें बढ़ानी है तो हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सब्जियों और फलों के अलावा कई तरह के जूस भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारी फाइबर्स वेजिटेबल्स होती हैं, जो फाइबर फ्रूट्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे शरीर में पूरा जो शुगर का लेवल होता है उसे कंट्रोल करते हैं और कई सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिनसे विटामिन्स मिलते हैं, कैल्शियम्स मिलता है, आयरन मिलता है, प्रोटीन्स का सोर्स होता है। कई सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से पूरा हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ आपको एक चीज बताते हैं कि जो ये सीजन चल रही है तो अगर आपको पालक और केल का जूस अगर आप लोग रेगुलर लेते हैं तो मैं आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके आपकी आपका जो शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा अगर आप इन चीजों का रेगुलर यूज करते हैं। तो देखिए, पालक और केल जो दो ऐसी सब्जियां हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स हमें रेगुलर इनके खाने की सलाह देते हैं और इनको मिक्स करके अगर आप जूस पीते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। इसको बनाने के लिए आप जूसर में 2 कप कटी पालक और 1 कप कटी हुई केल ले सकते हैं। 1 कप पानी में डालें, जूसर में करीब 5 से 6 मिनट तक इसको चलाएं और आपका जूस तैयार हो जाएगा। इसमें आप ब्लैक पेपर पाउडर और बेसिक साल्ट डाल के इसको पी सकते हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर मैं आपको केल के बेनिफिट्स बताता हूँ तो केल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे तो हमने कुछ ही बेनिफिट्स आपको दिखाए हैं। वेट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वेजिटेबल है। एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है इसीलिए लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। हेल्प्स टू एक्टिवेट डीऑक्सीफाइंग एंजाइम्स इन द लीवर, हमारे लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हाई अमाउंट ऑफ द प्रोटीन सोर्स होता है इसमें। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फाइबर ज्यादा होता है, थियामीन होता है, फॉलिक एसिड्स होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है और हमारे पास विटामिन के, ए, सी, B6 एंड मेनी मोर बेनिफिट्स। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जूस है आपको कितना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले जूस के बारे में। टमाटर का जूस, टोमेटो जूस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी इम्यून, स्पेशली इफ यू एम टॉकिंग अबाउट इन पॉइंट्स ऑफ इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट। इम्यूनिटी बढ़ाने में टमाटर बहुत ही कारगर होता है।
फोलेट की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से शरीर में हमारे किसी भी तरह से जो इन्फेक्शंस होता है उसको वो रिड्यूस करता है, उसको प्रिवेंट करता है, और आपको शरीर के अंदर से स्ट्रॉन्ग बढ़ाता है। और अपने डाइट्स में अगर आप रेगुलर टोमेटो का जूस यूज करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। आपको क्या करना है कि छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और 5 मिनट्स तक आप जूसर में चलाइए, और जूस निकाल कर ऊपर से नमक डाल के पीजिए। अगेन अगर आपको ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ऐड करना है, उससे आपका टेस्ट इनहेंस हो जाएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। ओके सो आवर नेक्स्ट जूस इज ऑरेंज एंड ग्रेपफ्रूट जूस। ओके सो ऑरेंज और ग्रेपफ्रूट का जो जूस होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आपको फिर से बता दूं कि विटामिन सी इसमें मेजॉरिटी लेवल में पाया जाता है, एंड प्लेंटी ऑफ विटामिन सी इज अवेलेबल इन बोथ फ्रूट्स। सो अगर आपको क्या करना है कि इनको क्या करना है कि ग्रेपफ्रूट्स और संतरे के जूस को बेसिक छोटे छोटे कट कर लीजिए छिलके निकाल के, और इसके बाद जूसर में ऐड कर लीजिए, और 4 से 5 मिनट तक आपको जूसर को चलाना है, और उसके बाद आपका जूस रेडी हो जाएगा। और ग्लास में आप इसको लीजिए और पीजिए अपने और फैमिली के साथ। और रेगुलर अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका विटामिन सी से रिच होने की वजह से आपके शरीर में वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी वो डेवलप कर देता है, किसी भी वायरस अटैक को प्रिवेंट भी करता है अगर वायरस आ भी जाता है तो। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उससे लड़ने में मदद करता है, तो आप लोग ये जूस जरूर पीजिए। और वाटरमेलन का जूस जो है, गर्मियां आने वाली हैं, वाटरमेलन का मार्केट में मिलना स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो वाटरमेलन होते हैं ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में गंगा यमुना ये दो हमारी मेजोरिटी रिवर्स हैं, तो इनके किनारे की जो रेत होती है वहां पे ये वाटरमेलन जो होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो वाटरमेलन में क्या होता है कि ये विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम और जिंक जैसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पाए जाते हैं इसमें, मेजॉरिटी ऑफ वाटर्स होता है। अगर आप वेट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो वाटरमेलन जूस को फ्रिक्वेंट पीजिए। और मैं आपको बता दूं ये हमारे शरीर में कुछ ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में, ये उनके लेवल को नॉर्मलाइज करने में, उनके लेवल को मेंटेन करने में ये जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। और आपके अगर मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो ये आप उसको भी दूर करेगा, और आपके शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाता है ये। तो अगर आप इसका इसके जूस का फ्रिक्वेंट यूज करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी और आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है ये। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके छोटे छोटे बीज होते हैं उनको आप निकाल लीजिए और कट करके पीसेस वाइज 5 मिनट तक जूसर में डालिए। अगर आप रेडी हो जाएगा, नमक के साथ इसको लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा साल्ट ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर अगर ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिए और उसको लीजिए। आपको विदाउट सॉल्ट और विदाउट ब्लैक पेपर पाउडर लेना है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द नाइस जूस एंड वेरी यूजफुल फॉर योर बॉडी टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। फाइन, जिंजर और कैरेट का जूस बहुत ही अच्छा जूस होता है। पूरी सर्दियों में ये जूस बहुत ही फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होता है, बिकॉज जो गाजर का समय होता है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारे बाजारों में गाजर फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होती है। जिंजर जिंजर हमारी बॉडी, ये दोनों जूस जो होते हैं हमें विटामिन ए, सी, ई और आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल करते हैं। तो गाजर और गाजर चुकंदर का भी जूस आप यूज कर सकते हैं, गाजर चुकंदर अदरक या गाजर और अदरक का जूस। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे क्या कहते हैं आपके शरीर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हमें अदर सोर्स से नहीं मिल पाती, अगर आप इस जूस को रेगुलर फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। आपको क्या करना है कि अच्छे से फ्रिक्वेंटली वॉश कर लीजिए। अभी क्या है कि वायरस का अटैक वायरस सीजनल चल रहे हैं, तो आप बाजार से कोई भी सब्जियां लाएं तो उस पर वायरस हो सकता है, तो उसको गर्म पानी में धुल लीजिए। धुलने के बाद आप क्या करिए कि उनको प्रॉपर कट करके अदरक की प्रॉपर मात्रा और गाजर आपको 2, 4, 6 जितने ग्लास जूस बनाना है उनको आप जूसर में ऐड करिए। 5 मिनट तक जूसर को चलाइए अच्छे से, हल्का साल्ट डालिए और इन जूस को फ्रिक्वेंटली यूज करिए। आपका बेहतरीन इम्यून सिस्टम रहेगा और आपको जुकाम, खांसी, जो भी चीजें हैं आपको उससे प्रिवेंशन मिलेगा। ओके सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड हैप्पी विथ फैमिली। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड, जो हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको अगर चाहिए कि आपको पता चल जाए कि हमारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टीम ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो, थैंक यू सो मच।